हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं मिस्ट्रीज इन हिंदी और उर्दू ऑडियो बुक्स चैनल पर एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द हॉन्टेड लेक और इसके राइटर हैं केल्सी एच। तो आज की स्टोरी शुरू होती है अब। हेलो, मेरा नाम जैक है। जिस गर्मियों में मैं 16 ईयर्स का हुआ और मुझे मेरा लाइसेंस मिल गया, उसी दिन काइल लुइस को लेक में से बाहर निकाला गया। वो मरा हुआ था। ये क्रिसमस से एक हफ्ता पहले की बात है। सारे शहर में गर्मी की हवा फैली हुई थी। ये एक छोटा सा शहर था और लोग अपने आप को ठंडा रखने के लिए लेक के पास जाते थे। लेकिन काइल डूबकर नहीं मरा था, क्योंकि उसके लंग्स में से पानी नहीं निकला था। आज 10 साल बाद मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रहा हूँ। मैंने अपनी कार लेक के पास से जाते हुए स्लो कर दी। यहाँ एक कर्व से पास होते हुए एक लंबी रोड के बाद मेरे पेरेंट्स का घर आता है। लेकिन लेक के पास से जब भी मैं गुज़रता हूँ, पता नहीं क्यों, मैं कुछ देर कार रोक कर सिर्फ गहरे पानी को देखता रहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे उस गहरे पानी के बीच अंदर गहराइयों में कोई मैग्नेट छुपा हुआ है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मैं कार रोककर उतरा और शाम के सूरज की धूप में उस खामोश बहते हुए पानी को देखता रहा। सारी यादें एक के बाद एक दिमाग में वापस आने लगी। वो शामें जिसमें मैं अपने डैड के साथ गैराज में कार को ठीक करने में लगाता था। मेरी बहन सुजन अपने हस्बैंड से लड़कर घर वापस आकर एक टेबल पर बैठी रोती रहती थी और मेरी मॉम उसे समझाती रहती थी। उसके बाद के कुछ महीने में गर्मियों के लंबे दिन, जिसमें शहर के लोग और पुलिस वाले काइल की मौत पर डिस्कस करते हुए रोड्स पर फिरते थे, लोगों में रियान भाइयों का एक अजीब सा डर बैठ गया था उस वाकये के बाद। और काइल की ज़िंदगी का आखिरी दिन, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। ना ही पुलिस भूल सकती है और ना ही इस शहर के लोग। मैंने अपनी बहन सुसन से सुना था कि काइल और वो दोनों सुबह देर तक से उठे थे, क्योंकि वो दोनों रात में देर तक ड्रिंक्स ले रहे थे उनके छोटे से घर में। दूसरे दिन हवा में सिर्फ ड्रिंक्स की स्मेल फैली हुई थी। जब तक सुसन उसके लिए कॉफ़ी बनाती, काइल एक सिगरेट स्मोक कर रहा था। सुसन ने काइल से पूछा था कि वो ब्रेकफास्ट करेगा या नहीं। काइल ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहता था, उसे भूख नहीं थी। वो बहुत खामोश दिख रहा था और सुसन समझ गई कि वो परेशान है। काइल ने डीन रियान और उसके भाई पीटर रियान से कुछ पैसा लिया था और अब उसे वो पैसा वापस करना था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था और वो परेशान था। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन में सुसन से पूछा कि काइल को कितने पैसे रियान ब्रदर्स को वापस करने थे, तो सुसन ने बताया कि काइल ने कार के कुछ पार्ट्स पीटर रियान से ख़रीदे थे और पैसा वापस नहीं दिया था। लेकिन जब पुलिस मुसलसिल और पूछताछ कर रही थी, तो सुसन को सच बताना पड़ा। जब तक कि काइल की बॉडी मॉर्ग में पड़े पड़े ठंडी हो गई थी और अब सुसन को कोई परवाह भी नहीं थी कि काइल के साथ क्या होगा, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। उस आखिरी दिन काइल कॉफ़ी पीने के बाद नेवी ब्लू टी शर्ट और जीन्स पहनकर घर से बाहर निकला था। वो अपनी कार हमेशा की तरह तेज़ चलाता हुआ मोबाइल स्टोर पहुंचा। वहाँ उतरकर उसने अपने लिए और सिगरेट्स खरीदे और एनर्जी ड्रिंक भी। वो अभी काउंटर पर ही खड़ा हुआ था कि पीट रियान भी उस स्टोर में आया। काइल को देखकर पीट बोला, मुझे आज शाम तक अपना पैसा वापस चाहिए। पुलिस के बयान के मुताबिक काउंटर पर जो कैशियर थी वो इतना ही सुन सकी थी।
पीट रियान की बात का जवाब काइल ने दिया या नहीं, ये कैशियर नहीं सुन सकी। या शायद कैशियर भी सारे शहर वालों की तरह रियान ब्रदर्स से जानबूझकर उलझना नहीं चाहती थी। मोबाइल स्टोर से निकलने के बाद काइल मेरे डैड से मिलने आया था। वो मेरे डैड से पैसे मांग रहा था। उस वक्त मैं और डैड गैराज में कार रिपेयर कर रहे थे। हम दोनों 6 महीनों से उस कार पर काम कर रहे थे और अब वो कार पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, मेरे ड्राइव करने के लिए रेडी। काइल जैसे ही कार से हमारे घर की पार्किंग में उतरा, डैड ने उसे घूर कर देखा। डैड उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्या हम बात कर सकते हैं, काइल ने पूछा। चलो, डैडी उसे लेकर किचन की तरफ चले गए। मैं उन दोनों के पीछे किचन तक गया और बाहर से छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। काइल मुसलसिल मेरे डैड को समझाने की कोशिश कर रहा था कि आज के बाद फिर वो पैसे नहीं मांगेगा। उसे $5,000 की ज़रूरत थी। अगर उसके कोई और रिश्तेदार होते तो वो उनसे पैसा मांग लेता था, लेकिन उसका इस शहर में कोई भी नहीं था। क्या ख़रीदा था तुमने पीट रियान से, डैड ने उसे गुस्से से पूछा। ये कार जो मैं अब ड्राइव कर रहा हूँ, काइल बोला। झूठ बोलना बंद करो। जो कार तुम ड्राइव कर रहे हो वो $500 की भी नहीं है, 5,000 दूर की चीज़ है, डैडी गुस्से से बोले। मेरे डैड को पैसा मांगने वालों से ज़्यादा झूठ बोलने वालों से नफ़रत थी। उतनी ही नफ़रत उन्हें ऐसे आदमियों से थी जो लेडीज़ पर हाथ उठाते हैं। मेरी बहन सुजन के हस्बैंड में ये दोनों चीज़ें थी। ऑल राइट, काइल बोला, मैं पूरा सच नहीं बता रहा हूँ। मैंने रियान ब्रदर्स के लिए कुछ स्मगलिंग का काम किया था और पैसा मैंने खुद रख लिया था। अब वो लोग पैसा इंटरेस्ट समेत वापस चाहते हैं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बिगड़े हुए कामों को ठीक करूं, अपना पैसा भर कर। किस टाइप के आदमी हो तुम, डैड ने गुस्से से पूछा। मुझे तो साफ दिख रहा था कि काइल किस टाइप का आदमी है, झूठा, बुज़दिल और बहुत ही फालतू टाइप का। फिर मुझे मेरे डैड की आवाज़ आई। ठीक है, आखिरी बार मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। मैं पैसा दे दूँगा, लेकिन तुम्हें ये शहर और मेरी बेटी को छोड़कर जाना होगा। ये एक डील है, काइल गुस्से से खड़ा होता हुआ बोला। आप मुझे शहर छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते, मेरे डैड ने उसके कॉलर्स पकड़कर ज़ोर से झटका देकर कहा। मुझे एक मिनट की भी परवाह नहीं है अगर डीन रियान तुम्हें मार दे तो। अगर तुमने यहाँ से जाने के बाद मेरी बेटी को मार पीट की तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूँगा, काइल एक झटके से दीवार से जा टकराया। उसकी मुट्ठी गुस्से से खुल बंद हो रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सक रहा था। वो गुस्से में पलटा और तेज़ तेज़ चलता हुआ अपनी कार की तरफ चला गया। उसने मुझे हॉल में खड़ा देखा था, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। घर जाने के बाद शायद उसकी सुजन से लड़ाई हुई होगी। फिर शाम को वो एक पब गया था। रात के 9 बजे तक वो वहीं था। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स लेने की वजह से कार नहीं चला सक रहा था, इसीलिए वो पैदल रोड पर चलता हुआ चला गया। दूसरे दिन सुबह एक कार वहीं पब के करीब खड़ी हुई मिली। सुजन ने पुलिस में उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखा दी। 2 दिन बाद एक फिशिंग करते हुए आदमी को उसकी बॉडी लेक में दिखाई दी। उसके साथ ही पुलिस ने रियान ब्रदर्स को पूछताछ के लिए अरेस्ट कर लिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में डैड ने बताया कि काइल उनसे पैसे मांगने आया था। पुलिस को ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये मालूम करने में कि डैड को काइल ज़्यादा पसंद नहीं था। लाख कोशिश के बावजूद पुलिस को काइल के मरने की असल वजह नहीं मालूम हो सकी। अब वो एक्सीडेंट को हुए 10 साल हो गए हैं और वो लेक एक हॉन्टेड जगह बन गई है, जो
बच्चे जो अक्सर तैरने जाते हैं उन्हें लगता है जैसे कोई पानी के नीचे से उनके पैर पकड़कर खींच रहा है। बड़े लोग भी उस लेक के नज़दीक शाम के टाइम पर जाने से डरते हैं। काइल लुईस हमेशा चाहता था कि वो शहर में मशहूर हो। मरने के बाद उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो गई। जब भी मैं इस शहर में आता हूँ, डैड और मैं हमारे घर के गैराज से थोड़ी दूर पर बने लॉन में डिनर लेते हैं। डैड और मैं एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं बिना बात किए भी। आज मैंने डैड से हिम्मत करके पूछा, क्या लोग अभी डीन रियान और पीट रियान पर ही काइल के मर्डर का इल्ज़ाम डालते हैं? हाँ शायद, डैड बोले, वैसे लोगों ने अब उस बारे में बात करना छोड़ दिया है। मैं सोच रहा था कि डैड पता नहीं किस तरह काइल की बॉडी को लेक तक ले गए होंगे। मुझे अच्छी तरह वो रात याद है जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी कार रेडी होते ही ड्राइव पर गया था। रात का टाइम होने से रोड पर कोई नहीं था। जैसे ही मैंने कॉर्नर पर टर्न किया, मुझे काइल पैदल जाता हुआ दिखाई दिया। वो बहुत ड्रिंक्स लिए हुए था और अकेला जा रहा था। मेरे पास टाइम था ब्रेक्स मारने का, लेकिन मुझे उसका डैड के साथ झगड़ा करना याद आया, तो मैंने ब्रेक्स नहीं लगाए। आपको यह स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और अच्छी स्टोरी सुनने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिए।